उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुए सामूहिक दलित हत्याकांड को लेकर सांसद चंद्रशेखर आजाद का बड़ा बयान। चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अमेठी की घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं बल्कि जंगल राज है। अमेठी जिले में पूरे परिवार की हत्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की असली तस्वीर है कि सच क्या है और प्रचार क्या है। सच ये है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के जीवन की कोई गारंटी नहीं है, कल किसका नंबर होगा पता नहीं, और प्रचार यह है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। आगे चंद्रशेखर लिखते हैं कि घर में घुसकर सरकारी टीचर सुनील कुमार समेत पूरे परिवार, पत्नी पूनम भारती, दो मासूम बेटियों दृष्टि और मिकी की गोली मारकर सामूहिक हत्या करने की घटना अति दुखद और दंडनीय होने के साथ बता रही है कि दलितों की सुरक्षा दयनीय स्थिति में है और उनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। अगर पुलिस प्रशासन द्वारा पूनम भारती की 1.5 महीना पहले खुद से छेड़खानी और जान से मारने की धमकी की शिकायत पर कार्यवाही की होती तो आज 4 जान नहीं जाती। इसके बाद यूपी पुलिस को लेकर चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं कि इस सामूहिक हत्याकांड के लिए पुलिस प्रशासन की असंवेदनशीलता भी जिम्मेदार है। और इसके बाद चंद्रशेखर लिखते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी व डीजीपी यूपी मामले को गंभीरता से लें और 48 घंटे में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्यवाही करें और साथ ही असंवेदनशील पुलिस कर्मियों पर भी सख्त कार्यवाही करें जिससे भविष्य में कोई अधिकारी ऐसी लापरवाही ना करे। अगर कार्यवाही में लापरवाही होती है तो मैं खुद अमेठी पहुंचकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए अमेठी जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठूंगा। तो इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुए इस जघन्य हत्याकांड पर योगी आदित्यनाथ की चरमराती कानून व्यवस्था और यूपी पुलिस को जिम्मेदार ठहराया है।